हेलो एवरीवन। तो आज हम सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ गए और आज मुझे काम भी बहुत सारे थे। और ये मम्मी ने दी मुझे चाय मलाई डालकर, मुझे मलाई वाली चाय बहुत पसंद है। और सुबह मैं अब जा रही थी बाहर तो मैंने सोचा आज भी धुंध होगी। आज धुंध इतनी नहीं थी, थी पर इतनी नहीं थी। और सर्दी आज बहुत ज़्यादा है और टाइम हो रहा था लगभग 6 बजे का। और मम्मी और पापा देख रहे थे फिल्म। पापा बस अभी बाहर गए थे 1 सेकंड के लिए हुक्का बनाने और ये दोनों फिल्म देख रहे थे। और अभी मैंने उठते ही चावल बनाने शुरू कर दिए। टाइम हो रहा लगभग 7:15 बजे का। और चावल में मैंने मटर, आलू और प्याज, टमाटर और गाजर डाली है। गाजर मैंने गलत डाली, गाजर बहुत ज़्यादा मीठी थी तो चावल का थोड़ा टेस्ट अजीब सा हो गया था। और इधर मैं मसाले रेडी कर रही हूँ। मसालों में मैंने लिया किचन किंग, थोड़ा सा 1 चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी, नमक मैंने प्याज के साथ ही डाल दिया था और थोड़ा मैंने लिया है मिर्च। और चावल मैंने 1 गिलास लिया है बड़े वाला और उसी के अकॉर्डिंग 3 गिलास पानी लिया है और 2 सीटी मरवाई है बिल्कुल सिम गैस पे। आज रोटियां नहीं बनानी थी, बस पराठे बनने थे पापा पापा के लिए। तो साइड में मैंने चाय भी चढ़ा रखी थी और मैंने सिम गैस देखो ऐसी इतनी की है। और ये वाले ग्लास में चावल लिए हैं फुल भर के। अब मैं नहा ली थी, मैंने नहा के पूजा कर ली थी और आज कपड़े बहुत सारे थे। 2 डबल बेड की चादर थी और मैंने नहाते नहाते कपड़े धोए हैं। और देखो आज इतने बंदर आए हुए हैं, पता नहीं इनकी लड़ाई हो रही है क्या है, पर हर गली में बंदर ही बंदर आए हुए हैं 50-100। और यहाँ पर मैंने सारे कपड़े तार पे डाल दिए। सूरज शायद आएगा तो ये अपने आप ही सूख जाएंगे, नहीं आएगा तो फिर हीटर नीचे सुखा लेंगे। सॉक्स भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सर्दियों में। और यहाँ पर मैं रेडी हो गई थी और मैंने पोछा लगाया था जो अब तक नहीं सूखा था। सर्दियों में पोछा सूखने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और उधर मम्मी बैठ के आटा भिगो रही थी। बस पापा पापा के लिए पराठे बनने थे और अब मैंने पापा को पराठे खिला दिए थे और वो कोर्ट में भी चले गए थे। और मैंने उनके लिए भी चाय बनाई थी, अपनी और मम्मी के लिए भी बनाई थी। तो मैं तो चाय पी के नहीं जाऊँगी क्योंकि मैंने चावल के साथ लस्सी ले ली थी और अब मैं चावल खा रही हूँ, टिफ़िन में नहीं लेके जाऊँगी। और सारा काम हमारा हो गया, बस थोड़े से बर्तन रहते हैं। और मम्मी के लिए चाय गर्म कर रही हूँ, मैं पी के नहीं जा रही क्योंकि मैंने अभी लस्सी ली है। और गैस मेरी साफ़ हो गई, रसोई भी सारी साफ़ हो गई, बस ये थोड़े से बर्तन थे वो भी अभी मैं कर जाऊँगी या फिर मम्मी कर लेगी। तो बस सुबह के 9:15 बजे तक की यही मेरी रूटीन थी और शाम की कोई ख़ास रूटीन होती नहीं है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।